किन्स के रोजगार सिद्धांत की आलोचनाएं। किन्स के रोजगार सिद्धांत की भी आलोचनाएं बहुत तारीफें कर रहे थे किन्स की। किन्स ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। किन्स ने प्रतिष्ठित सिद्धांत पर जोर किया, बढ़ा किया। लेकिन किन्स भी तो नहीं बचे। ऐसा तो नहीं है कि किन्स ने बिल्कुल ऐसा सिद्धांत दिया हो जो कि हर जगह लागू हो रहा हो, बिल्कुल नहीं। तो किन्स के भी सिद्धांत की आलोचनाएं हैं, बहुत सी हैं, उन्होंने कुछ ही नोट किए हैं, तो उसको देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि इनके जो आलोचक हैं वो कौन कौन से हैं। ये हैं हेजली, हर्ट, मार्गेट, हेयर, नाइट, लॉरेंस। ये हैं मुख्य आलोचक हैं जिन्होंने किन्स के सिद्धांत की आलोचना की। तो ये जो है नाम आप याद कर लीजिए, क्योंकि नाम जितने ज़्यादा याद रहेंगे उतने आपको डिफाइन करने में आसान रहेगा। और डिफाइन करने का मतलब है कि आप कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है, कौन कीन्सियन है, कौन आफ्टर कीन्सियन है, ये सब आपको समझने में आसानी होगी। कौन आधुनिक है सब समझने में आसानी होगी। तो नाम आपको जरूरी याद रखना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा उनकी जीवनियाँ भी पढ़ लीजिए तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो देखते हैं पूर्ण रोजगार की धारणा दोषपूर्ण। किन्स ने इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा, प्रतिष्ठित सिद्धांत भी कहता है पूर्ण रोजगार की अवधारणा पूर्ण रोजगार रहता है। लेकिन किन्स ने कहा था कि वास्तव में पूर्ण रोजगार नहीं होता है। पूर्ण रोजगार कुछ समय के लिए होता है, वास्तव में होता क्या है, आंशिक रोजगार। तो ये तो वही बात है ना, उलट पलट के कुल मिला के बाद वही कर रहे हैं। तो इसको जो है हेजलेट ने क्या कहा है, ये जो पूर्ण रोजगार की धारणा है इसको उन्होंने कहा ये आदर्श धारणा है, यानी आदर्श रोजगार की धारणा है। तो आदर्श रोजगार की धारणा और पूर्ण रोजगार की धारणा ये कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है, लेकिन बस नाम उन्होंने बदल दिया। तो ये कुल मिला के मान लीजिए कि जो आंशिक और पूर्ण ये कोई खास अंतर नहीं है, वो सब जो है एक या आंशिक होगा या पूर्ण होगा, वो अदल बदल के वही कह रहे हैं। क्योंकि वहाँ भी तो कहा गया था, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में भी तो कहा गया था कि अगर कभी बेरोजगारी होती है तो मजदूरी में कटौती करके उसको समायोजित कर लेते हैं। यानी आंशिक जो बेरोजगारी है वहाँ भी थी, लेकिन वहाँ पे उसको डिफाइन नहीं किया गया, यहाँ पर इसने उसको डिफाइन कर दिया। तो कुल मिला के ये भी दोषपूर्ण ही है, बहुत अच्छी नहीं है। दूसरा है बेरोजगारी उपचार के लिए उपकरणों का अभाव। बेरोजगारी का ऐसा कोई इन्होंने सिद्धांत नहीं दिया जिससे बेरोजगारी दूर की जा सके। हाँ, इन्होंने कहा कि सरकार को आगे आना चाहिए। अब सरकार आगे आए तो सरकार क्या करे, गड्ढे खुदवाए, इसको पटवाए, इतने से तो काम नहीं चल सकता है ना। इसका मतलब कि केवल उपभोग को बढ़ा करके या निवेश को बढ़ा करके हम बेरोजगारी नहीं दूर कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास धन भी होना चाहिए और भी बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए। इसीलिए किन्स के सिद्धांत को कहा जाता है कि ये अल्प विकसित देशों के लिए अनुपयुक्त है। ये केवल और केवल अमेरिका जैसे विकसित देशों के लिए है किन्स का सिद्धांत। तो ये भी बेरोजगारी उपचार के लिए बहुत अच्छे उपकरणों की बात नहीं है, राजकोषीय नीति दिया है, लेकिन वो जो है पूरी तरह खरे नहीं उतर सकती, खरी नहीं उतर सकती है। और भ्रमात्मक मान्यताओं पर आधारित, तो किन्स ने भी वही मान्यताएं मान ली जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने माना। यानी इन्होंने भी पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर ली, पूर्ण प्रतियोगिता जैसे जो कि कभी संभव ही नहीं होती है, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि पूर्ण प्रतियोगिता होती है। तो इन्होंने भी पूर्ण प्रतियोगिता जैसी बात इसमें मान्यता को रख लिया। तो और इसके बाद सर्वव्यापकता का अभाव। सर्वव्यापकता का अभाव का मतलब यही है कि सभी देशों पे ये लागू नहीं हो सकता है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में लागू हो सकता है और सब जगह ये लागू नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा सिद्धांत गड्ढे को दुआओ और उसको फिर शाम को पाट दो, यानी उपभोग की प्रवृत्ति को बढ़ाना, उपभोग की प्रवृत्ति को बढ़ाना सबके वश की बात तो है नहीं। जिसके पास पूंजी होगी, पैसा होगा, वही दे पाएगा।
अब अल्प विकसित देशों के पास ऐसा कुछ है नहीं, तो वो कैसे दे पाएंगे? तो ये जो है सर्वव्यापकता का अभाव है, इसी को सर्वव्यापकता का अभाव कहते हैं। दीर्घकालीन विश्लेषण की उपेक्षा, केस ने कहा कि दीर्घकाल में तो हम मर जाते हैं, केवल इन्होंने अल्पकाल पर ध्यान दिया और सब जगह अल्पकाल ही रहे ये भी जरूरी नहीं है, दीर्घकाल की भी कहीं ना कहीं आवश्यकता होती ही है। और अत्यधिक समष्टि मूलक, समष्टि मूलक का मतलब है कि ये इन्होंने व्यष्टि पर ध्यान नहीं दिया, माइक्रो पर ध्यान नहीं दिया, पूरा पूरा माइक्रो पर ध्यान दिया। तो हालांकि माइक्रो को लाने का श्रेय भी केस को भी दिया जाता है, तो इन्होंने मतलब लाना ठीक है, समष्टि होना चाहिए, अच्छी बात है, व्यापकता होनी चाहिए किसी भी सिद्धांत में, लेकिन अब उसके पीछे माइक्रो को भूल जाओ, यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसी को भूल जाओ। तो ये जो है केस ने उसमें माइक्रो पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, माइक्रो को भी पूरी तरह विश्लेषण में आपने रखा है। तो और विनियोगों पर अधिक जोर, केस ने विनियोग पर जोर ज़्यादा दिया, उपभोग और विनियोग C+I यही दो पर जोर दिया है। तो उपभोग अगर ज़्यादा बढ़ेगा, यानी विनियोग ज़्यादा होगा तो उपभोग बढ़ेगा, और उपभोग ज़्यादा बढ़ेगा तो जो प्रवाह है वो आय प्रवाह है वो बढ़ जाएगा। तो ये जो है केस ने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, जबकि इसको और कुछ किया जा सकता था, मतलब बेरोजगारी को कैसे दूर करें, इन सब पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, केवल इन्होंने जोर दिया तो इसके विनियोगों पर, विनियोग यानी विनियोग और उपभोग की प्रवृत्ति। प्रावैधिक विश्लेषण पर कम जोर, प्रावैधिक का मतलब होता है कि जो समय के साथ साथ परिवर्तन उसमें होता रहे। तो केस ने अल्पकाल मान लिया, तो अल्पकाल, अल्पकाल में हर चीज़ बदल नहीं सकती है, यानी वो प्रावैधिक नहीं हो सकती है, वो स्थैतिक हो सकती है, और प्रावैधिक तो वो होती है जो दीर्घकाल में होती है। हालांकि केस ने बाद में उसमें सुधार किया है, कई चीज़ें उन्होंने प्रावैधिक सिद्धांत भी दिए हैं, लेकिन जो ये सिद्धांत था उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत था, इसमें उन्होंने ज़्यादा जोर केवल प्रावैधिक पर कम जोर दिया है, स्थैतिक पर ज़्यादा जोर दिया। स्थैतिक का मतलब वही से है कि जब हर जगह आप अल्पकाल अल्पकाल की बात कर रहे हैं, मतलब अल्पकाल में तो चेंज होता ही नहीं है, तो जब अल्पकाल में चेंज होता ही नहीं है तो फिर वो प्रावैधिक होगा ही कैसे? तो इसलिए भी केस की आलोचना की जाती है। इस तरह कई बहुत सी आलोचनाएं हैं, लेकिन जो मेन मेन थी हमने पढ़ा दिया, और बाकी आप किताब से भी पढ़ लेना।